हे दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रिक्वायर्ड डाटा फॉर द मोल्ड डिजाइन। तो मोल्ड डिजाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डाटा है जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में हमको पता होना चाहिए, तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टनेज ऑफ मशीन। भाई, जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसका हमको टनेज पता रहना चाहिए कि कितने टन की मशीन है। वो डिपेंड करता है अवेलेबल मोल्डिंग मशीन के ऊपर। भाई, कस्टमर के पास कितने टनेज की मशीन अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। सेकेंड चीज है शॉर्ट कैपेसिटी ऑफ द मशीन। भाई, शॉर्ट कैपेसिटी मतलब ये होता है कि कितना मटेरियल एक शॉट में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन फील करती है, राइट। तो जितना मटेरियल उसको फील करेगा, बेसिकली वो होना चाहिए कंपोनेंट जो भी रहता है उसके मास से ज्यादा होना चाहिए। उसका मास बेसिकली हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, तो उससे वो ज्यादा होना चाहिए। उसकी शॉर्ट कैपेसिटी कंपोनेंट के वेट से ज्यादा होना चाहिए, राइट। उसके बाद है टाई बार डिस्टेंस। अच्छा, टाई बार डिस्टेंस, जैसे यहां पर आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का कुछ प्रोसेस नजर आ रहा है, यहां पर आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो रॉड दिख रही है, ये टाई बार है। तो टाई बार के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, राइट, जिससे हम लोग ये पता कर सकें कि मोल्ड की लेंथ और विड्थ हम लोग कितने डिसाइड करें, ताकि मोल्ड इसके अंदर आसानी से जा सके, राइट। उसके बाद है मैक्सिमम एंड द मिनिमम ओपनिंग ऑफ द मशीन प्लेटन, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये हमारे पास मोल्डिंग मशीन है, तो यहां पर जो आपको ऊपर दिख रही है, ये है दो प्लेटन, ठीक है। तो दो प्लेटन के बीच का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना ओपन होगा और मिनिमम कितना ओपन होगा। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर अगर मैं मोल्ड को इंप्लीमेंट करता हूं, मोल्ड को अगर इसके अंदर डालूंगा, राइट, तो ये क्या करेगा, इस तरह से वर्किंग करेगा, राइट। तो भाई, ये इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग मोल्ड की शट हाइट को डिसाइड कर सके, या फिर बोल सकते हो मोल्ड की हाइट को हम लोग डिसाइड कर सके कि मोल्ड की हाइट कितनी रखें, ताकि हमारा कंपोनेंट आसानी से मोल्ड मशीन के अंदर से इजेक्ट हो जाए, राइट। उसके बाद है 30 टन की मशीन को हम लोग रिव्यू देखते हैं कि भाई 30 टन की मशीन का जो डाटा होता है वो देखते हैं कि किस तरह से होता है, राइट। जैसे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में क्या जरूरी होती है, तो एग्जांपल के लिए 30 टन की मशीन हम लोगों ने लिया है, राइट। अब एग्जांपल के लिए टाई बार डिस्टेंस, तो 30 टन की जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसकी जो टाई बार डिस्टेंस होती है वो होती है 320 मल्टीप्लाई बाय द 270, मतलब लेंथ और विड्थ इसका ये हुआ, मतलब मोल्ड हमारा इससे छोटा होना चाहिए, राइट। उसके बाद है शॉर्ट वॉल्यूम। देखो, शॉर्ट वॉल्यूम कितना है, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मटेरियल का वेट या फिर मटेरियल का मास इन ग्राम, राइट। उसके बाद है मिनिमम मोल्ड हाइट, मतलब मिनिमम मोल्ड हाइट ऑलरेडी कैटलॉग में डिसाइडेड होती है, पता होता है कि भाई मिनिमम जो मोल्ड की हाइट है वो 150 हो सकती है और मैक्सिमम मोल्ड की जो हाइट हो सकती है वो 550 mm हो सकती है फॉर द 30 टन मशीन, 30 टन की मशीन के लिए। लेकिन ये कंपनी टू कंपनी जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसके हिसाब से वो थोड़ा वेरी कर सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, राइट। उसके बाद है इंजेक्शन प्रेशर। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 30 टन की मशीन जो है उसके अंदर नोजल का डायमीटर कितना है, और नोजल के डायमीटर के हिसाब से हम लोग, या फिर स्क्रू के डायमीटर के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि भाई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो भी अवेलेबल है उसका प्रेशर कितना है। तो जैसे 30 टन की मशीन के लिए जो प्रेशर है वो 125 से लेकर 250 मेगा पास्कल तक रहेगा, राइट। उसके बाद है नोजल का डायमीटर। भाई, नोजल का डायमीटर क्या होता है, कभी कभी कम ज्यादा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए 30 टन की मशीन के लिए 2.5, 3, 3.5, 4 mm तक का डायमीटर हो सकता है, जिसके अंदर से मटेरियल इंटर करता है इनटू द इंप्रेशन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, जो भी मोल्ड के अंदर मटेरियल इंटर करेगा, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जब तक ये इंफॉर्मेशन आपके पास ना आ जाए, ठीक है, फ्रॉम द कस्टमर हैंड, तब तक आप मोल्ड को डिजाइन नहीं कीजिएगा, राइट। तो भाई, जब तक मोल्ड डिजाइन नहीं करना है, जब तक आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन है तब तक आना जाए, राइट। तो ऑल इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्ट द डिजाइन। आप इस डिजाइन को स्टार्ट तभी करोगे जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी, ओके, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ठीक है। तो इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को हम लोग रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या पार्ट्स हैं। एग्जांपल के लिए भाई, मैं इसको थोड़ा साइड व्यू में ले लेता हूं। यहां पर आपको दिख रहा है भाई, यहां पर आपको दिख रहा है एक हॉपर है, ठीक है। यहां पर सपोर्टिंग हाउसिंग है, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज द इंजेक्शन यूनिट, ठीक है। ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है भाई, हीटर है। यहां पर हीटर लगे हुए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसका एक सेक्शन व्यू काट के देखूं, तो सेक्शन व्यू में आपको कुछ चीजें पता चलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये इसका मैं सेक्शन व्यू बता रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आप इसके डिजाइन को समझ सको कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन किस तरह से काम करती है, राइट। तो यहां से ये जो ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है स्क्रू, राइट। तो स्क्रू क्या करेगा, बेसिकली मटेरियल को इसके अंदर इंजेक्ट करने का काम करेगा, राइट। और यहां पर
ये जो व्हाइट कलर की आपको प्लेट दिख रही है, ये है फिक्स्ड प्लेट और ये है मूविंग प्लेट। तो बेसिकली ये क्या काम करेगा, इसके अंदर हमारा मोल्ड लगने वाला है। ये जो पोर्शन दिख रहा है इसके अंदर, राइट, यहां पर आपका मोल्ड लगने वाला है, ठीक है, इसके अंदर आपका मोल्ड लगेगा। तो ये कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। यहां पर आपको एक हाइड्रोलिक सिस्टम दिख रहा है, उसी तरह से यहां पर भी एक आपको क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोलिक मोटर नजर आ रही है। तो ये मोटर क्या काम करेगी, स्क्रू को आगे करने का काम करेगी, और साथ में ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है, ये मूविंग पैटर्न या फिर आप बोल सकते हो मूवेबल साइड जो है उसको क्या करेगा, इसको लीनियर मोशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा, ठीक है। इसको सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने यहां पर एक बेड बताया है कि ये यहां पर बेड है, ठीक है, और यहां पर जो भी आपका कंपोनेंट बन के तैयार होगा, ठीक है, उसके अंदर ये वाला है कलेक्टर कलेक्शन बॉक्स। तो यहां पर क्या है, कलेक्शन बॉक्स में वो आपका कंपोनेंट जाके ऑटोमेटिकली गिर जाएगा बाय द ऑटोमेटिक इजेक्शन, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से ये कंपोनेंट है। अब इसका सिंगल सिंगल कंपोनेंट अगर मैं बताऊं तो यहाँ होपर है, होपर से मटेरियल इसके अंदर इंटर करेगा, यहाँ पर सपोर्टिंग हाउसिंग है, ठीक है, कंट्रोल एच करके इसका सेक्शन व्यू काटता हूँ, तो यहाँ से मटेरियल इसके अंदर जाने वाला है, राइट। इसके सेक्शन व्यू में मैं इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मटेरियल इसके अंदर जाने वाला है। उसके बाद फिर ये इस तरह से अंदर मूव करेगा, मूव करने के बाद ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ये शॉर्ट मारने वाला है, शॉर्ट मारेगा भाई, फिर इसके अंदर से मटेरियल होता हुआ हमारे मोल्ड के अंदर या इंप्रेशन के अंदर जाएगा, राइट। फिर ये जो मूविंग प्लेटन वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, मूव करेगा फॉर इजेक्टिंग द कंपोनेंट, कंपोनेंट को इजेक्ट करने के लिए, राइट। जब कंपोनेंट इजेक्ट होगा तो वो कंपोनेंट आपको कहां पर मिलेगा भाई, इस कलेक्टर बॉक्स में मिलेगा, मतलब जो क्या करेगा इसको अपने अंदर स्टोर करेगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।